आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बॉर्डर पे जाके देश की सेवा करें, उसके बाद देश को संभालें। बीजेपी ने 2013 में 14 में नारा लगाया था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी का मतलब है मेरे साथ करो, गलत काम करो, भ्रष्टाचार करो, मेरे साथ रह के करो, बाहर नहीं करोगे। पिछले वर्ष तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, काफी सफल भी हुई थी। हाँ, ये भी यात्रा सफल होनी चाहिए। तिरंगा यात्रा शहीद जवानों का, जो आर्मी में जवान है उनको मोटिवेशन है। पर साथ के साथ मोदी जी से मेरी ये गुजारिश है, मोदी जी ये करें जैसे कुछ देश कंट्रियों में है, मैंने सुना है दूसरी कंट्रियों में ये है कि भाई जो भी हमारे जो चुनाव लड़के आ रहे हैं उनको 2-3 साल बॉर्डर पर सेवा करें। वो समाज सेवा के लिए आ रहे हैं, देश सेवा के लिए आ रहे हैं ना चुनाव लड़के। एमएलए एमपी कोई भी आ रहा है, वो पहले बॉर्डर पर जाके चुनाव लड़ें, बॉर्डर पर जाके देश की सेवा करें, उसके बाद देश को संभालें, उसके बाद सचिवालय में बैठें, उसके बाद लोकसभा में बैठें। ये भी साथ के साथ लागू करें मोदी जी, जो भी उनके नेता हैं। मान लीजिए एक दफ़ा 2024 में पलट जाता है, इंडिया आ जाती है, जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है उसको देखा जाए, तो आप ये उनके लिए भी कहेंगे? वो मैं तो सभी के लिए बोलूँ, नेता सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। देखो बीजेपी ने 2013 में 14 में नारा लगाया था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार, अब सारे भ्रष्टाचारी कहाँ हैं? मोदी जी का कहना है कि भ्रष्टाचार करो और जोर से करो, बड़ा करो, धीरे मत करो, जोर से करो, बड़ा करो, बार बार करो, पर मेरे साथ रह के करो। अभी महाराष्ट्र में सरकार चेंज हुई है, साथ सबका विकास को आप इस तरीके से परिवर्तित करके बता रहे हैं। मोदी जी का मतलब है मेरे साथ करो, गलत काम करो, भ्रष्टाचार करो, मेरे साथ रह के करो, बाहर नहीं करोगे। बाहर करोगे तो मेरी ईडी तैयार है, सीबीआई तैयार है, सब कुछ तैयार है, पर मेरे साथ रह करो। अजीत पवार क्या है, 3 दिन पहले बोला था 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्खी पीसम, और अब क्या है, वो वित्त मंत्री बैठा है, वित्त मंत्री बना हुआ बैठा है, और जिसकी सरकार थी वो कहते हैं कि हमारे से जबरदस्ती पद वित्त मंत्रालय छीन लिया। सिंधे जी के जो एमएलए हैं वो बोलते हैं जबरदस्ती सिंधे। तो मोदी जी का एक ही नारा है, देश को लूटो, बार बार लूटो, जोर से लूटो, तेजी से लूटो, पर मेरे साथ लेके लूटो। भगोड़े, सारे भगोड़े मोदी से, मोदी जी के साथ। जितना भी देश में भ्रष्टाचार हुआ, जितने भी गलत काम हुए, क्यों वो पीएमओ ऑफिस से ही जुड़े हुए हैं? भगोड़ा किसे कह रहे हैं? देखो भगोड़े जो देश को लूट के भागे, बैंक विजय माल्या ले लो, अडानी ले लो, नीरव मोदी ले लो, मुकेश ले लो, बहुत मोदी मोदी बोलने पर जो है केस दर्ज है ना। विजय माल्या नहीं है क्या उसमें? विजय माल्या भी है, सारे क्यों हैं? और 90% सारे गुजराती हैं। बैंकों को लूटने वाले, फ्रॉड करने वाले, गलत काम करने वाले पीएमओ ऑफिस से जुड़े हुए हैं और 90% गुजराती हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। अभी जो जम्मू कश्मीर में पीएमओ ऑफिस से एक आईएएस बन के गया, और मोदी जी को ये नहीं मालूम कौन है, फर्जी वो निकला क्या, फर्जी। और उसने कितने बड़े बड़े कांड किए होंगे जम्मू में, जिसको जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई, क्या एक्शन हुआ? दूसरा एक शेरपुरिया है, संजय शेरपुरिया, जिसने मोदी जी के ऊपर 3 बुक्स लिखी, जिसका विमोचन, जिन बुक्सों का विमोचन को इसने किया, अमित शाह जी ने किया और भी मंत्री संतरियों ने किया, जिसने गुजरात के अंदर मोदी जी के शासन में रहते हुए, मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कम से कम 20 बैंकों में फ्रॉड किया है, 20 बैंकों के लूटा है, जिसके लिए मोदी जी कहते हैं एक आधार कार्ड देश का है, उसके पास 3-3 आधार कार्ड निकलते हैं, फर्जी बने हुए, और वो पकड़ा गया। यहाँ जब गुजरात को लूट लिया, मोदी जी पूरे देश के मालिक हैं, तो उसने सोचा जब मेरा गुजरात में मुख्यमंत्री हो अब मैं पूरे देश को लूटूंगा। पकड़ा गया कहाँ? नोएडा में एक 6 करोड़ के बिल्डर के साथ। देखिए चर्चा चल रही थी मेरे माटी मेरे देश के अभियान को लेकर के, कि आखिर जिस लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में घेरा जाता है पार्टियों को, उस दरमियान जो शहीद जवानों को याद करने के लिए 15 अगस्त में को के लिए ये जो तैयारियां चल रही हैं, इसको जनता किस तरीके से देख रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन अंकित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।